गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रोटिस्टा में हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था क्रिसोफाइट। क्रिसोफाइट के बाद में हमारा पायरोफाइटा भी कंप्लीट हुआ। पायरोफाइटा में डायनोफ्लैजेलेट के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल देखा था। डायनोफ्लैजेलेट के बाद में नेक्स्ट जो डिवीजन है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का, वह है एग्लिनोफाइटा। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वह है यूग्लिनोफाइटा। तो टुडे हमारा टॉपिक इज यूग्लिनोफाइटा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे यूग्लिनोफाइटा के बारे में। देखिए, जैसा हम जानते हैं यूग्लिनोफाइटा में अप्रोक्स 1000 नोन स्पेसीज होते हैं, यानी लगभग 10,000 अलग अलग तरह के स्पेसीज जो हैं वो यूग्लिनोफाइटा में इंक्लूड होते हैं, 1000। और यूग्लिनोफाइटा का जो मोस्ट नोन मेंबर है वह है यूग्लिना। बहुत बार आता है यूग्लिना, हम लोगों को बार बार कुछ ना कुछ बहुत सारे जगह पे इसका एग्जांपल के रूप में हम लोग यूज करते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक टू यूग्लिना। 9th-10th में भी आता है यूग्लिना के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये इसका जो सबसे मोस्ट नोन मेंबर है, मोस्ट नोन मेंबर इज यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा का मोस्ट नोन मेंबर है यूग्लिना। यूग्लिनोफाइटा का अगर कैरेक्टर पे हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यह यूनिसेलुलर में मोटाइल फॉर विथ डेफिनेट न्यूक्लियस, यहां पर एक टर्म जैसे यहां पे नेकेड मोटाइल फॉर्म आया। नेकेड मोटाइल फॉर्म का मतलब जनरली वॉल, सेल वॉल नहीं होगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल होगा। और इसमें मोटाइल फॉर्म आया तो इसका मतलब यहां पे मोटाइल है। तो हम बार बार बता रहे हैं आपको कि कहीं पे कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर मोटाइल है तो आप मान के यहां पे चलो कि फ्लैजिला होगा या सिलिया होगा। तो जनरली यहां पर फ्लैजिला होगा तभी यह मोटाइल है। और ये टर्म जो नेकेड आया है तो नेकेड इसलिए क्योंकि यहां पर वॉल नहीं होगा, सिंपली सेल होगा। यूनिसेल्युलर है का मतलब तो सिंगल सेल, आप समझ ही रहे हैं। ओके, और डेफिनेट न्यूक्लियस इस सेल और इस सेल के अंदर में एक प्रॉपर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ इस तरह का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो कंपोनेंट यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है जनरली डीएनए या इसको क्रोमोसोम जो होगा, तो इस तरह का जो होगा यानी डेफिनेट न्यूक्लियस कंप्लीट होंगे। अब देखिए, देखो अभी ये सब चीजों में आप बहुत ज्यादा परेशान ना होना। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। और डीएनए क्या है? तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो हमारे जो पेरेंट का कैरेक्टर यानी मदर का और फादर का जो पेरेंटल कैरेक्टर हमारे तक कैरी होता है वही होता है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। तो यह हमारे पेरेंट का जेनेटिक कैरेक्टर हमारे में कैरी करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ये यहां पर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो कि यह यूनिसेलुलर न्यूक्लियोटाइड विद डेफिनेट न्यूक्लियस के साथ होता है। ये जनरली ये क्या होते हैं कि यह सॉलिटरी होता है यानी ज्यादातर अकेले रहेगा। सॉलिटरी का मतलब एलोन, अकेले रहेगा, किसी कॉलोनी के फॉर्म में या किसी ग्रुप के रूप में ये नहीं रहता है, हमेशा एलोन रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कैसा होगा
तो ये पिगमेंट में क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल। देखिए ये जो इसका पिगमेंट है, पिगमेंट कहने का मतलब ये जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल, ऐसा ही पिगमेंट का कॉम्बिनेशन कंप्लीट ग्रीन एल्गी या ये जितने भी हायर ग्रीन प्लांट है या कोई भी फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट है उसका भी जो पिगमेंटेशन होता है यही होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका पिगमेंटेशन और ग्रीन प्लांट का पिगमेंटेशन लगभग लगभग क्या है, एकदम एक जैसा है, सिमिलर है। तो दोनों के पिगमेंटेशन में किसी तरह का कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पिगमेंटेशन दोनों के सेम होते हैं। उसके बाद में देखिए कि कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं, सम स्पेसीज हैव रेड पिगमेंट कॉल्ड हिमेटोक्रोम। उसको क्या कहेंगे, कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जिसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। किसकी स्पेसीज, तो यूलिनोफाइटा में ही कुछ ऐसे स्पेसीज हैं, क्योंकि यहां पे कितने स्पेसीज हमने बोला, 1000 स्पेसीज। तो इसमें से कुछ जनरली क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें रेड कलर का पिगमेंट होगा और उस रेड पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्या नाम होगा, तो हिमेटोक्रोम। देखिए बात हमेशा याद रखिए, ये जो हीम वर्ड आया है हमारे बॉडी में, आप लोग जानते होंगे क्या होता है आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, रेड क्यों दिखाई देता है आरबीसी, यानी हमारा ब्लड क्यों रेड होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। तो वहां पे भी हीम वर्ड आया है, वो भी रेड कलर का है। उसी तरह यहां पर हिमेटोक्रोम जो वर्ड आया है, क्योंकि यह रेड पिगमेंट का बना होता है, यानी रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए यह रेड पिगमेंट का होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, और ये पूरा ध्यान में रखिए कि क्लोरोफिल बी इसके पहले नहीं आया था किसी प्रोटिस्टा में। हम लोग बार बार क्या लिख रहे थे, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, बाकी जैंथोफिल और बीटा कैरोटीन वो सब या कैरोटीन वो सब आ रहा था, लेकिन क्लोरोफिल यहां पे आया है। क्लोरोफिल हम आपको पहले बताया था कि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं वो उसमें होता है, और ये फोटोसिंथेटिक प्लांट के जैसा होता है, इसलिए यहां पर क्लोरोफिल बी आया है। नहीं तो जनरली क्लोरोफिल और क्लोरोफिल प्रोटिस्टा में सी से ही काम चलता है, बी नहीं मिलेगा देखने को हमें, ठीक है। पिगमेंट के बाद में अब अगर हम लोग इसका रिजर्व फूड, यानी इसका रिजर्व फूड क्या होता है, तो इसका रिजर्व फूड होता है पैरामाइलम। पैरामाइलम एक तरह का यह कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ कुछ प्रोटिस्टा में ही एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में होता है, बाकी किसी में नहीं। तो पैरामाइलम दिस इज ए टाइप ऑफ दिस इज ए कार्बोहाइड्रेट, या एक कार्बोहाइड्रेट है जो कुछ प्रोटिस्टा में एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहेगा, बाकी और किसी चीज में यह नहीं देखने को हमें मिलता है, जनरली प्रोटिस्टा में ही यह हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो यूलिनोफाइटा जो होते हैं ये होलोजोइक भी होते हैं, दे मे बी होलोजोइक। ये होलोजोइक का मतलब क्या हुआ, होलोजोइक का मतलब हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता हो, इंगल्फ करता हो, खाता हो। जैसे हम लोग सॉलिड फूड को क्या करते हैं, अपने माउथ से अंदर की ओर लेते हैं,
और उसका फिर हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाकर के प्रोसेसिंग होता है, उससे गैस निकलते हैं। तो ये सारा जो चीज है यानी इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इम्यूनोफाइटा में भी देखने को मिलता है, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, सीनोजोइक, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग में आता है। एनिमल में भी किंगडम जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे बहुत अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इम्यूनोफाइटा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है। इसके बाद में देखो इसका रिप्रोडक्शन, यानी ये रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन यानी सेल डिवाइड करेंगे आपस में, एक सेल डिवाइड करके दो, और उसमें भी लॉन्गिट्यूडनली ऐसा मेन रूप से जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो सिंपली में याद रखो आपके इसमें एसेक्सुअल सेल डिवीजन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, तो बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, नॉट ऑकर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट ऑकर्स इसमें नहीं देखने को हमें मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है यह एक अभी कॉमन जो एक तरह का ये फीचर जो चला हुआ किसका है, तो ये यूग्लिनोफाइटा का है फीचर्स। अब यूग्लिनोफाइटा में हम लोगों को मेन से क्या देखना है, तो यूग्लिना को जानना है। तो कुछ यूग्लिना के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होगा उसको अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे यूग्लिना का, ठीक है। तो अब हम लोग एक हेडिंग देंगे यूग्लिना का, तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे खास करके जो नए नए बच्चे हमारे आते हैं तो वो समझते हैं कि बायोलॉजी बस, या बहुत लोग उनको दिमाग में ये देते हैं कि बायोलॉजी बस रटने की चीज है। मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा कौन सा पेपर है, ऐसा कौन सा साइंस है, या ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेमोरी बेस्ड नहीं है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। आप कहीं मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपके मेमोरी में है तभी तो अप्लाई करेंगे ना। तो हर चीज के लिए मेमोरी बेस्ड होता है, उसी तरह यहाँ पर बायोलॉजी कंप्लीटली जो है वो मेमोरी बेस्ड है। चीजों को याद रखिए, अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वो जो काम आप दूसरे पेपर में करते हैं वही काम इस पेपर में भी होगा, और जब एमसीक्यू बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो केमिस्ट्री है फिजिक्स है उसी तरह से इसमें भी हमें एमसीक्यू बनाने के लिए चीजों को अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा। देखिए नीट का जो एग्जाम है वो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत टफ है। नीट का एग्जाम एज कंपेयर टू दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इजी है। बस इसमें एक सावधानी क्या करना होता है हमें कि हमें हमेशा सिलेबस से बाउंड होकर के, हर चीज का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। प्रोटिष्ठा पे एक बुक आती है लेकिन हमें प्रोटिष्ठा पे ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, हमारा सिलेबस जो डिजाइन किया गया, हमें मान लीजिए अभी हमने आपको बताया इम्यूनोफाइटा के बारे में, ये आपको गोल्डन ब्राउन एल्गी मैंने बहुत कम बताया था, तो गोल्डन ब्राउन एल्गी आपको बहुत थोड़ा सा जानना है उतना ही में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब यही एमएससी में आपके पार्ट में जाएंगे तो गोल्डन ब्राउन एल्गी बहुत डेप्थ जाएगा, हमें उतना नहीं जानना है, हमें हमारा सिलेबस जहां तक हमें बांध के रखा है हमें उतना ही तक रहना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना, और उतना ही पढ़िए, उसी पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो इतना करेगा उसका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा, बस आपको इतना ही करना है। ओके ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा यूग्लिना के बारे में। ये देखिए ये जो यूग्लिना है हमारा, यूग्लिना इट इज
लिंक बिटवीन यूरिना जो होता है वो लिंक होता है किसके किसके बीच का, प्लांट और एनिमल के बीच का यह लिंक है। क्यों? क्योंकि यह कुछ कैरेक्टर प्लांट का रखता है और कुछ कैरेक्टर जो है वह एनिमल का रखता है, दोनों के कैरेक्टर को रख के चलता है। तो यही कह रहे हैं कि इट इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होलोजोइक मोड ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड समटाइम एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इंडिकेट एनिमल कैरेक्टर। तो एनिमल में जनरली वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल है क्या? तो वैक्यूल एक सेल में, इस तरह का अगर एक सेल है तो एक बड़ा सा थैली के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ न्यूट्रिएंट्स या एक्वस सॉल्यूशन को स्टोर करने का काम करता है। तो एनिमल में जनरली वैक्यूल नहीं होता, और अगर एनिमल में, कुछ एनिमल में वैक्यूल अगर होता भी है खास करके लोअर एनिमल में, तो काफी छोटा, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्टेड किया हुआ है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब आप थोड़ा सा याद रखेंगे स्मॉल वैक्यूल। तो एक छोटा सा वैक्यूल होना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कोई सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर जाना, खा जाना, तो ये कैरेक्टर। और क्लोरोफिल के ऑप्शन, क्योंकि एनिमल सेल में यानी हम एनिमल हैं, हमारे अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो एनिमल में एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। तो ये ऐसे जो तीन कैरेक्टर, तीनों कैरेक्टर यह लेके चलता है जिसके वजह से यह कैसा लगता है, तो यह एनिमल के जैसा लगता है। तो फिर प्लांट के जैसा क्यों लगता है? तो प्लांट के जैसा लगने के लिए इसमें कैरेक्टर है कि इसके पास पिगमेंट है, साथ ही साथ यह जब लाइट प्रेजेंट होता है तो यह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ये सब जो कैरेक्टर है इसके लिए, तो यह प्लांट को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है हमने कि इट इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यह प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। अब देखो, उसके बाद में इसमें देखेंगे हम लोग, यह लिंक तो हो गया है, मतलब प्लांट और एनिमल के बीच का यह लिंक है। यूग्लिना जो है वह सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर जाता है, यूग्लिना इंजेस्ट सॉलिड पार्टिकल, साथ ही साथ इट इज सोलेटरी, यह हमेशा सोलेटरी होता है, या इसीलिए इसको लिखेंगे इट इज ऑलवेज सोलेटरी, दैट मीन्स नेवर, यह कभी भी नेवर इन कॉलोनी, ये कॉलोनी के फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब अकेला, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। तो ऑलवेज सोलेटरी फॉर्म में रहेगा, साथ ही साथ इसके पास एक इट हैज हार्ड फ्लेक्सिबल कवरिंग बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड
पेनिकल। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ में क्या होता है, हार्ड भी होगा और साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबल भी होगा जो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और इसी का नाम है पेलिकल। तो यह प्रेजेंट होता है यूगलिना में। यह क्या काम करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट भी करेगा और सेल को प्रोटेक्ट भी करेगा, ये जो पेलिकल है। देखिए यूगलिना जो है, अगर इसके हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, यूगलिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यूगलिना में अगर एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बाय टीयू लॉन्गिट्यूडिनल सेल डिवीजन, और अगर सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट अकर, ये हमेशा क्या काम करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपना काम चला लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं करता है, ठीक ना। अब उसके बाद में देखो कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नहीं करता है तो यह और क्या काम करेगा, साथ ही साथ यूगलिना रिजर्व फूड रिजर्व फूड के रूप में, या जैसे अभी हम लोग यूनिनोफाइटा में देखे थे पारामाइलम, तो वही पारामाइलम जो होता है वह इसमें एज ए रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहेगा। और क्यों, क्योंकि यह क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है जो कि अभी हम लोग देखे हैं। तो मोड ऑफ अगर न्यूट्रिशन कहा जाए तो ये क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें, तो होलोजोई। कहते हैं यूगलिना हमेशा लाइट की तरफ रहने की कोशिश करता है, यानी जहां लाइट प्रेजेंस होगा वहां पे ये आसानी से सर्वाइव करेगा और रहेगा। तो क्यों, क्योंकि इसके पास एक आई स्पॉट होता है एंड फोटोरिसेप्टर, एंड आई स्पॉट एंड फोटो रिसेप्टर हेल्प टू स्टे यूगलिना, हेल्प टू स्टे यूगलिना नियर लाइट। तो जहां लाइट होगा उसकी के आसपास में यूगलिना जो है वह स्टे करेगा, रुकेगा। तो ये चीज जो है इस यूगलिना को हेल्प करता है, साथ ही साथ इसके दो ऑर्गन भी ऐसे हैं जो इसको हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो इतनी सारी जो बातें हुई है ये सारा यूगलिना के लिए सफिशियंट है। अब आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा यूगलिना कंप्लीट। यूगलिना कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हम लोग तीन चीजों तीन डिवीजन को देखे थे। पहला डिवीजन हमारा चला था ट्रिसोफाइटा, सेकंड डिवीजन हमारा चला पाइरोफाइटा, और थर्ड डिवीजन हमारा चला यूगलिनोफाइटा। ठीक है, यूगलिनोफाइटा में यूगलिना के बारे में अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसमें बोर्ड पे जब तक नीचे की चीजें हैं उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, वो क्या, तो आपका रिवीजन। आप जितना ज्यादा पढ़ाए हुए टॉपिक का रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा।
जितना कम रिवीजन होगा उतना दिक्कत है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए। अब सेकंड में आइए, हम लोगों ने देखा था फंगी लाइक प्रोटिस्ट। तो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट जो है हम लोगों को अब ये देखेंगे कौन सा। तो पहला हमारा फर्स्ट जो क्लास था वो कौन सा था, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सॉरी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के तीनों डिवीजन देखा हम लोगों ने, उसके बाद में है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सॉरी फंगाई लाइक प्रोटिस्ट अब हम लोगों को देखना है। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में हम लोगों को मेन रूप से जो इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं ज्यादा जाना है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो उसको चीज को नोट डाउन करेंगे। तो देखिए फंगाई लाइक प्रोटिस्ट में जो सबसे कॉमन जो इसमें इसका जो मेंबर है वह है मोस्ट कॉमन मेंबर इज स्लिम मोल्ड। कौन? तो स्लिम मोल्ड। और स्लिम मोल्ड जो होता है उसका सबसे कॉमन मेंबर है और इसको सिंपली टर्म, इसी को हम लोग सिंपली में क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग मोल्ड भी कह सकते हैं। सिर्फ मोल्ड से भी काम चलाया जा सकता है स्लिम मोल्ड को, ठीक है। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वह जनरली जो है वह कहां मिलेंगे, तो दे अकर्स इन डैम्प सॉइल वाटर एंड वे एनिमल फीसेस। तो एनिमल के एस्टूल पे और डैम्प सॉइल में या वाटर में या जनरली मिलेगा। कौन? तो ये स्लिम मोल्ड्स। देखिए स्लिम मोल्ड्स हम लोगों को इसमें जनरली जो है अगर जानने की बात कहें तो हम लोगों को इसमें थ्री क्लास के बारे में थोड़ा जानना है कि स्लिम ये जो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है उसमें तीन डिवीजन इंक्लूड होते हैं। कभी कभी दो डिवीजन होता है तो दो डिवीजन से भी हम लोग काम चला सकते हैं, और अगर ज्यादा देखा जाए तो थ्री डिवीजन से भी काम चला सकते हैं। तो थ्री डिवीजन मैक्सिमम है, से मेन जो होता है वो टू डिवीजन होते हैं। तो यहां पर ये जो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट इसमें थ्री डिवीजन हम लोगों को देखना है। एक होता है एक्रेशियो माइकोटा, दूसरा है मिक्सो माइकोटा और तीसरा है ओ माइकोटा। एक्रेशियो माइकोटा में एक्रेशियो माइकोटा का जो स्लिम मोल्ड है उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर स्लिम मोल्ड्स। मिक्सो माइकोटा का जो स्लिम मोल्ड है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड, और ओ माइकोटा का जो मोल्ड है उसको कहते हैं हम लोग वाटर मोल्ड। तो ये तीन अलग अलग मोल्ड है, एक्रेशियो माइकोटा, मिक्सो माइकोटा और ओ माइकोटा का,
एक हो गया सेलुलर स्लीव मोल्ड, दूसरा हो गया प्लाज्मोडियल स्लीव मोल्ड और तीसरा हो गया वाटर मोल्ड। वाटर स्लीव मोल्ड भी कह सकते हैं और वाटर स्लीव मोल्ड भी हम लोग कह सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, वो आप ये देख के कह सकते हैं। स्लीव मोल्ड जो होता है, स्लीव मोल्ड जनरली यह कैसा दिखता है, तो स्लीव मोल्ड लुक लाइक टू अमीबा। बहुत सारे जगह पे स्लीव मोल्ड को अमीबा में इंक्लूड कर दिया जाता था, फिर बाद में इसको थोड़े थोड़े डिफरेंसेज होने की वजह से एक अलग कैटेगरी बनाया गया और इसको स्लीव मोल्ड करके, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैरेक्टर स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो पूरा अमीबा के जैसा रखता है, तो इसीलिए इसको अमीबा के ग्रुप में भी कभी कभी डाल दिया जाता है। बट जनरली ये कैसा रहता है, जनरली ये अमीबा के जैसा दिखाई देता है, एकदम नियर अबाउट टू अमीबा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा का कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है देखने के लिए, बट बाकी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर यह एकदम अलग हो जाता है। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को सेलुलर स्लीव मोल्ड हो, प्लाज्मोडियल स्लीव मोल्ड हो या वाटर मोल्ड हो, इन सभी का हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है वाटर स्लीव मोल्ड या सेलुलर स्लीव मोल्ड। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं ये सेलुलर स्लीव मोल्ड को, सेलुलर स्लीव मोल्ड, सेलुलर स्लीव मोल्ड की जब हम बात करते हैं तो सेलुलर स्लीव मोल्ड या एक स्लग के रूप में फॉर्मेशन करता है। स्लग क्या होता है और कब बनाता है, एक टर्म आता है इसके लिए स्लग। तो ये स्लग क्या है, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब बहुत दिन से भूखा है, कुछ खाना नहीं मिला है, इसे कोई चीज मिल नहीं पाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है इसका, तो ड्यूरिंग स्टारवेशन दे एग्रीगेट टू फॉर्म स्लग। जो स्लग बना है इसी को क्या, तो जब स्टारवेशन होगा तो ये आपस में एग्रीगेट करके एक मास के जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी को हम लोग कहेंगे स्लग। यही स्लग जो है ये आगे जाकर के एक फ्रूटनिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये जो स्लग है पहले क्या किया कि जब ड्यूरिंग द स्टारवेशन है तो यह ड्यूरिंग स्टारवेशन आपस में एग्रीगेट कर गया और एग्रीगेट करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बना, एक कंपाउंड मास होता है, स्लग का मतलब एक कंपाउंड मास होता है और इसी कंपाउंड मास को हम लोग कह देते हैं स्लग। और बाद में यही स्लग जो है ट्रांसफॉर्म होकर के बनाता है फ्रूटनिंग बॉडी, और यही फ्रूटनिंग बॉडी जब आपस में मैच्योर होते हैं तो वह स्पोर बनाते हैं। तो स्लग का मतलब ऐसे सिंपल वे में क्या बोले, तो यह एक कंपाउंड मास है, कौन स्लग। और फिर अभी क्या कह रहे हैं कि स्लग ट्रांसफॉर्म इनटू स्लग ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूटनिंग बॉडी, और फ्रूटनिंग बॉडी टिप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी फॉर्म स्पोर। ये स्पोर है ना, स्पोर, और यही स्पोर, स्पोर का टर्म अभी हर जगह आने वाला है। स्पोर का मतलब समझे, पूरे प्लांट में हम लोग को स्पोर टर्म आएगा, बैक्टीरिया में आया होगा या फिर अभी फंगाई में पूरा स्पोर का टर्म आएगा। तो स्पोर का मतलब समझो कि एक तरह से अनमैच्योर से अभी, और यही स्पोर जब फिर स्प्रेड करेगा, फैलेगा और मैच्योर होकर के नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। प्लाज्मोडियम कहने का मतलब ये सॉरी सेलुलर स्लीव मोल्ड बन जाएगा।
तो ये ही एस4 का मतलब एक तरह से अनमैच्योर सेल जो ग्रोथ करेगा और डिवाइड मैच्योर होकर के और वही न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाएगा। तो ये कहां से बन के आया, ये टिप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी से। तो एस4 बन गया, यही एस4 आगे जाकर के स्लिम मोल्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये अपने पूरे के पूरे कैरेक्टर को इंक्लूड। तो हम लोगों ने यहां तक ये बातें देखी कि सेलुलर स्लिम मोल्ड का ये सारा चीज जो है वो टिप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडी दैट वी कॉल एस4। ठीक है, ऐसे एक चीज और जनरली जान जाओ कि जो भी नॉट ओनली स्लिम मोल्ड, सेलुलर स्लिम मोल्ड या फिर प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड, स्लिम मोल्ड जो है वो जनरली या हेटरोट्रॉफिक एंड फीड ऑन बैक्टीरिया, यानी कि स्लिम मोल्ड जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को खाते भी हैं। तो स्लिम मोल्ड का ये अपना कैरेक्टर है। और दूसरा चीज है कि स्लिम मोल्ड जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि यूग्लिना जो है वह एनिमल और प्लांट के बीच का लिंक है, उसी तरह ये स्लिम मोल्ड जो है वह दोनों के बीच का लिंक है। किसका तो लिंक करता है, किसको तो यह लिंक करता है फंगाई एंड फंगी एंड एनिमल को, स्लिम मोल्ड। इतनी सारी बातों के बाद में हम लोगों को देखना है थोड़ा सा प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड का। ठीक है, प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड हम लोग देखेंगे, प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड। प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड में अप्रोक्स 500 स्पेसीज आते हैं। हाउ मेनी, तो 500 स्पेसीज आते हैं। प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड जनरली वॉलेस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। किसमें, तो प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड। देखिए वॉललेस का मतलब सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल एब्सेंट, और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी एक सेल होगा और इस सेल के अंदर में ऐसे बहुत सारे यानी इस तरह के दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। और साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो सेलुलर कंटेंट होते हैं सारा चीज, जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो होते हैं इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, तो यानी ये साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और वॉललेस होता है। उसके साथ में देखो कि प्लाज्मोडियल इंगल्स ये खाता है किसको, तो प्लाज्मोडियल इंगल्स ईस्ट बैक्टीरिया एंड अदर स्मॉल पार्टिकल। क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले ही हम बताए हैं कि स्लिम मोल्ड कोई भी है वो हेटरोट्रॉफिक होगा,
तो हेटरोट्रॉफिक यानी कि अपना ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद से खाना नहीं बनाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए इसमें हम लोग पिगमेंटेशन भी नहीं देखेंगे कि ना क्लोरोफिल है ना बी ना कोई तरह कोई पिगमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि यह कंप्लीटली हेटरोट्रॉफिक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक या फिर फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफिक होगा वहां पर पिगमेंटेशन देखेंगे, यहां पे नहीं है यानी कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक है तो वहां पे पिगमेंट की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, तो ये हेटरोट्रॉफिक है, कोई भी स्लीम मोल्ड चाहे प्लाज्मोडियल हो चाहे सेलुलर स्लीम मोल्ड हो कोई भी हो तो ये हेटरोट्रॉफिक है। तो यहां पर तो ये क्या करता है, तो ये इंगल्फ, तो ये स्मॉल पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो स्लीम मोल्ड है, ये सॉरी मतलब प्लाज्मोडियल जो स्लीम मोल्ड है ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पोर जो बनेगा वो हाईली रेसिस्टेंस स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियल रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, प्लाज्मोडियल फॉर स्पोर इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम, यानी जहां पे स्पोर बना है उस स्ट्रक्चर का नाम होगा स्पोरेंजियम। ठीक है ना, स्पोर जो होते हैं वो हाईली रेसिस्टेंस होते हैं, स्पोर आर हाईली रेसिस्टेंस, जो स्पोर होगा वो हाईली रेसिस्टेंस हो जाएगा। साथ ही साथ स्पोर आर ओपन एंड रिलीज टू जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड फ्लैजिलेटेड से कॉल्ड स्वार्म सेल। तो वैसे को जो स्पोर से जर्मिनेट होकर के जो अभी आया है उसी को कहेंगे स्वार्म से। तो ये जो है पूरी बात जो है हमारा प्लाज्मोडियल स्लीम मोल्ड्स की कंप्लीट हो गई। प्लाज्मोडियल स्लीम मोल्ड्स के बाद में अब लास्ट एक जो है वो हम लोगों को देखना है वाटर मोल्ड। ठीक है, वाटर मोल्ड में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे से कुछ पॉइंट है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या है, वाटर मोल्ड्स। ठीक है, वाटर मोल्ड में 500 स्पेसीज होते हैं, हाउ मेनी देन 500 स्पेसीज इसमें इंक्लूड है, ये किसमें, तो वाटर मोल्ड में। वाटर मोल्ड फिलामेंटस प्रोटिस्ट है, फिलामेंटस प्रोटिस्ट कौन, तो ये वाटर मोल्ड। साथ ही साथ दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम, ये अपने फूड को कहां से लेंगे, तो ये वो अपने फूड को लेंगे या तो वाटर से या फिर सॉयल से या फिर किसी एनिमल बॉडी को इन्वेड करके, यानी एनिमल बॉडी को ये अंदर जाने के लिए उसको इन्वेड करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल बॉडी का सरफेस के बॉडी क्या है वो प्रोटेक्टेड है स्किन से, तो उसको इन्वेड करके उसके अंदर जाना होगा, या इन्वेडिंग टू एनिमल बॉडी, इन्वेडिंग टू एनिमल बॉडी। देखिए ओमाइसिट्स का मतलब, ओमाइसिट्स मींस होता है एड फंगाई, यानी एड फंगाई है या ओमाइसिट्स।
ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ओमाइसिस मीन्स एट फंगाई, जो बॉडी ऑफ फंगाई है जी, बॉडी ऑफ फंगाई एंड वाटर मोल्ड्स कॉल्ड, बॉडी ऑफ फंगाई एंड वाटर मोल्ड्स कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग माइसेलियम। बॉडी ऑफ फंगाई और वाटर मोल्ड को क्या कहेंगे? माइसेलियम। ये फंगाई में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि माइसेलियम का मतलब, तो बॉडी जो मेन बॉडी है, चाहे फंगाई का बॉडी हो या वाटर मोल्ड्स का बॉडी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट ये देखिए, द सेल वॉल, इसका जो होता है सेल वॉल इज सेलुलोजिक विथ ग्लाइकन, सेल वॉल इज सेलुलोजिक विथ ग्लाइकन का बना होता है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वाटर मोल्ड के लिए, तो इसमें से ये सब कुछ पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखेंगे, आपको आगे ये सब चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर का प्रोटिस्टा में एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे बैक्टीरिया से, फंगाई से और प्रोटिस्टा के कुछ पार्ट से, जैसे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी कराएंगे आपको तो उसमें रहेगा, इवलिना से क्वेश्चन हो सकता है, डायनोसॉर से कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, सिली मोल्ड से रहेंगे लेकिन मोल्ड्स के बारे में, सिली मोल्ड को ही सिंपली मोल्ड कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के रिविजन करके चलेंगे, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं आपको बनाने में सावधानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से ये कंप्लीट हो गया, कौन सा? तो हमारा कंप्लीट हो गया फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। लास्ट ग्रुप जो बचा है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।